नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान, और अभी रीसेंट की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। भाई जोमैटो की जो लिस्टिंग हुई है स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब आईपीओ में एक शेयर 76 रुपीस का मिल रहा था, लिस्ट 116 पे हुआ, फिर 138 रुपीस तक गया और एंड ऑफ डे 125 रुपए में क्लोज हुआ। और लिस्ट होते ही जोमैटो का मार्केट कैप 100,000 करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया। उनके फाउंडर एंड सीईओ दीपिंदर गोयल का भी नेटवर्थ 625 मिलियन डॉलर्स हो गया। बट उनका कहना है कि यार हमने कोई ये हिस्ट्री नहीं बनाया है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी हमको बहुत मेहनत करनी है। तो जोमैटो के इतने ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद दूसरे जो स्टार्टअप्स आएंगे उनको तो काफ़ी फ़ायदा ही होगा। बट क्या आपको लगता है कि आगे जाके और जोमैटो का शेयर प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी जोमैटो लॉस में है? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, आपकी जो ड्रीम कंपनी है उसमें क्या पर्क्स होंगे? ज़बरदस्त सैलरी, अच्छे खासे ईसॉप्स। तो अभी फिनटेक स्टार्टअप भारत पे अपनी टेक टीम को एक्सपैंड कर रहा है और ये सब पर्क्स तो दे ही रहा है, पर इसके अलावा वो गैजेट पैक देंगे जिसमें आपको एप्पल का आईपैड और एप्पल का पेंसिल, बोस के हेडफोन्स, सैमसंग गैलेक्सी वॉच, फायरफॉक्स की साइकिल इत्यादि मिलेगा। और अगर आप थोड़े बहुत एडवेंचरस किस्म हैं तो आप BMW, रॉयल एनफील्ड, KTM या फिर जावा की बाइक ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको वेकेशन, स्टेकेशन ये सब तो सुना होगा, बट ये आपको क्रिकेशन के लिए लेके जाएंगे। मतलब ये जो अक्टूबर नवंबर में दुबई में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है ना, वहाँ लेके जाएंगे। सुबह काम कर लेना, शाम को मैच देख लेना। और ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि यार भारत में अपनी टेक टीम को एक्सपैंड कर रहा है और इसके लिए वो 100 लोग हायर कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि यार अच्छे कोडर्स की कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो इसीलिए वो ये पर्क्स देके उनको हायर करने की कोशिश कर रहा है। और वैसे जो उनके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी प्रमोशन 8 महीने पहले होगा, उनको भी और ईसॉप्स मिलेंगे। और ये सब देख के तो यार मुझे भी लग रहा है कि यार कोडिंग सीख ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि आजकल कोडर से ज़्यादा पैसे हार्डली किसी जॉब में मिलते हैं। पर आप में भी तो काफ़ी लोग अच्छे कोडर्स होंगे, और अगर आपको ऐसे ज़बरदस्त जॉब चाहिए तो इस वीडियो में हमने कोलैबोरेट किया है रीलेवल के साथ, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिक चीज़ तो आपको पता ही है कि यार जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनीज आती है और वहाँ सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। उनके अलावा अगर आप कोई कॉलेजेस में पढ़ते हो तो फिर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना पड़ता है, और वहाँ पे भैया हर एक जॉब पोजीशन के लिए 100 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, आप अपने आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। फिर अभी तो यार पैंडमिक चल रहा है तो भैया जॉब ढूंढना और दिक्कत की बात है। पर दूसरी तरफ हमारे स्टार्टअप्स को अच्छे एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसी प्रॉब्लम को रीलेवल सॉल्व कर रहा है। और फंडा सिंपल है कि आपको जॉब आपके टैलेंट और स्किल के हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या किसको जानते हो। तो अभी रीलेवल पे 1,000 से भी ज़्यादा जॉब पोजीशंस ओपन है आपके बिजनेस डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट में, और 50 से भी ज़्यादा टॉप स्टार्टअप जैसे कि आपके क्रेड, अर्बन कंपनी, रेजर पे, अपग्रेड इत्यादि में आप अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल सा प्रोसेस है, आपको www.relevel.com में जाना है, फिर आपको रजिस्टर करना है अपने पसंद के टेस्ट के लिए। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी 1,999 रुपीज़ देना पड़ेगा, और उसके बाद आप अपने पसंद का स्लॉट चूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरा ही ऑनलाइन है, तो आप अपने घर बैठे एक ही दिन में पूरा ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपका रीलेवल स्कोर आ जाएगा, और फिर उससे आपका एक ज़बरदस्त कैंडिडेट प्रोफाइल बन जाएगा जिसमें आप अपने स्किल्स को अच्छी तरीके से शोकेस कर सकते हैं। और जो फिर मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि यार आपके रीलेवल स्कोर के हिसाब से कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी, आपको कंपनीज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर इंटरव्यू होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। इंटरेस्टिंग बात ये कि यार अगर आपको रीलेवल पे जॉब मिलती है तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फ़ी दी है वो आपको पूरा वापस मिल जाता है। और क्योंकि हमने इस वीडियो में उनके साथ कोलैबोरेट किया है तो वैसे उनका रजिस्ट्रेशन फी 1,999 रुपीज़ है, बट अगर आप ज्ञान10 का प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% ऑफ भी मिलता है। तो भैया देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर relevel.com चेकआउट करो और अप्लाई कर दो टेस्ट के लिए। अब तो भैया एक के बाद एक इंडियन स्टार्टअप्स IPO करेंगे, तो आपको पता है कि यार MobiKwik और Paytm ने तो IPO के लिए फाइल कर ही दिया है। बट अभी एक रिपोर्ट आई है कि यार पॉलिसी बाजार अपने IPO में करीब 6,500 करोड़ रुपए रेस कर सकता है, और उनका एम है कि यार इस साल के एंड तक 4 to 5 billion dollars के वैल्यूएशन में पब्लिक मार्केट में लिस्ट हो जाएं। तो भैया बहुत अच्छी बात है कि यार इंडियन स्टार्टअप्स इंडिया में ही लिस्ट हो रहे हैं। पहले ही यूजुअली जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स से बाहर लिस्ट होते थे, तो इससे हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो यूट्यूबर मदन गोरी ने ट्वीट किया एलन मस्क को कि भैया जल्दी टेस्ला की गाड़ियाँ इंडिया में लॉन्च कर दो। तो एलन मस्क ने बोला कि यार हम चाहते तो हैं, बट इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटीज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, और इंडिया सेम इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जो कि सही नहीं है। तो वैसे तो यार टेस्ला ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि यार वो इंपोर्ट ड्यूटी को 40% कर दें ताकि वो कॉम्पिटिटिव रेट्स पे इंडिया में लॉन्च कर पाए। देखते हैं कि यार इंडियन गवर्नमेंट उनकी बात मानते कि नहीं। बट क्या आपको लगता है कि क्या ईवी व्हीकल्स पे इंडिया को इंपोर्ट ड्यूटी कम करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट का डिसीजन सही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन की कंपनियाँ इंडिया में ही गाड़ियाँ बनाएं?
अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि भैया एलन मस्क ने कितने सारे स्टार्टअप्स बनाए हैं, आपका पेपैल, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी इत्यादि, बट उनका कहना है कि जो टेस्ला है उसकी वजह से उनको अपना 2/3 प्रोफेशनल और पर्सनल पेन हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनको फेस करनी पड़ी है टेस्ला को इस लेवल पे लेके जाने के लिए, क्योंकि गाड़ियाँ बनाना तो आसान है बट लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना वो अलग ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो होपफुली यार टेस्ला धीरे धीरे और स्केल अप करेगा और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच ही जाएगा। उधर एक मज़ेदार न्यूज़ आई है, तो अभी वीवर्क के ऊपर एक बुक लिखी जा रही है और वहाँ पे बताया गया है कि यार एडम न्यूमैन जो कि सीईओ थे वीवर्क के, उन्होंने एलन मस्क को एक बार बोला कि यार मार्स पहुंचना तो आसान है, वहाँ जाके कम्युनिटी बनाना मुश्किल है। और वहाँ एलन भैया उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया जो आप सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मार्स पहुँचने के लिए। तो दोनों अलग अलग एंटरप्रेन्योर है, अलग अलग सोच है, बट देखते हैं कि यार ये बुक में क्या क्या और एक्सक्लूसिव डिटेल्स निकल के आती है वीवर्क के ऊपर। अच्छा, एलन भैया की बात हो गई है तो थोड़ा जेफ बेजोस की भी बात कर लेते हैं। स्पेस के चक्कर काट के वो आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और उन्होंने बोला कि भैया स्पेस टूरिज्म की काफ़ी डिमांड है, $100 million के तो टिकट्स वो ऑलरेडी बेच चुके हैं और इस साल और 2 स्पेस फ्लाइट्स होने वाली है जिसमें लोग जाएंगे स्पेस के चक्कर काटने। इसके अलावा उन्होंने एक और रेवोल्यूशनरी चीज़ बताई कि यार वो चाहते हैं कि यार जो भी हमारे पल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है ना उनको हम स्पेस पे लेके जाएं ताकि अर्थ को हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाएं। अब एक्चुअल में ये काफ़ी क्रेजी आइडिया लग रहा है, बट 25 साल पहले हमने ये भी नहीं सोचा था कि यार अमेज़न आज इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। बट क्या आपको लग रहा है कि क्या ये आइडिया फीजिबल होगा, क्या हम फैक्ट्रीज को लेकर स्पेस पे ऑपरेट करवा पाएंगे? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, हम थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, कभी आपने सोचा कि यार एलन मस्क के पास कौन से क्रिप्टो करेंसीज हैं? तो अभी बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में एलन मस्क ने बोला कि उनकी कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला के पास बिटकॉइन है, उनके पास बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन है। और उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $29,000 से $32,000 पहुंच गया और इथेरियम का प्राइस भी $2,000 क्रॉस हो गया। बट देखते हैं कि यार ये प्राइस उसके बाद और ऊपर जाता है या फिर से गिर जाता है। क्या आपको भी लगता है कि यार एलन मस्क क्रिप्टोकरेंसीज के प्राइस को पंप और डंप करवाते हैं? तो अभी बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि यार वो क्रिप्टोकरेंसीज के प्राइसेस पंप जरूर करवाते हैं बट वो कभी डंप नहीं करवाते हैं, क्योंकि उससे उन्हीं का ही लॉस होगा। और वो बोले कि यार जब प्राइस ऊपर भी जाता है वो ऐसा बेस नहीं देते हैं और वो एक्चुअल में चाहते हैं कि यार बिटकॉइन सक्सेसफुल हो। तो क्या आप बिलीव करते हो कि यार एलन मस्क ये पंप और डंप से कोई फायदा उठाते नहीं है? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस जरूर बताना। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX ने $900 million की फंडिंग रेज कर ली है सॉफ्टबैंक, सिक्योर कैपिटल इत्यादि से $18 billion के वैल्यूएशन में। तो इसके बाद उनके फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड जो कि वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स हैं, उनका नेटवर्थ ऑलमोस्ट $8 billion हो गया है। तो FTX बेसिकली ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं लेवरेज ट्रेडिंग के लिए। तो क्या आप लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर देना। और अब हम थोड़ी बहुत फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस हफ्ते जोमैटो का IPO हुआ और जोमैटो जितना IPO के थ्रू रेज कर रहा है उतना एग्जैक्टली स्विगी ने इस हफ्ते फंडिंग राउंड में रेज कर लिया है। तो स्विगी ने बेसिकली $1.25 billion रेज किया है सॉफ्टबैंक से और अब उनका वैल्यूएशन $5.4 billion हो गया है। तो अब दोनों कंपनीज के पास ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल है, देखते हैं कि यार कौन इवेंचुअली मार्केट लीडर बन पाता है। वैसे आप स्विगी ज़्यादा यूज़ करते हैं या जोमैटो, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस हफ्ते एक स्टार्टअप ने सबसे बड़ा सीरीज ए राउंड रेज किया है इंडिया में और यूजुअली अगर आप देखेंगे सीरीज ए राउंड में स्टार्टअप्स 5-10 million रेज करते हैं। अगर एक एक्सपीरियंस फाउंडर है और एक कॉम्पिटेटिव सेक्टर में एंट्री मार रहे हैं तो $30-40 million रेज कर लेते हैं। पर फर्स्ट क्राई के को फाउंडर सुपन महेश्वरी की जो कंपनी है ग्लोबल बीज, उन्होंने अपने सीरीज ए राउंड में आप जान के हैरान रह जाएंगे $150 million यानी 1,124 crore rupees रेज कर लिया है सॉफ्टबैंक, सिक्योर कैपिटल इत्यादि से। और बेसिकली इस फंडिंग के मदद से वो अपकमिंग D2C ब्रांड्स को अक्वायर करेंगे और उनको फिर ऑप्टिमाइज करके स्केल अप करेंगे। तो देखते हैं कि यार अब इतनी फंडिंग रेज कर लिए खुद ही एक VC फर्म टाइप के बन गए, कैसे वो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। वैसे इस हफ्ते एक और स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गया है, 16th ऐसा स्टार्टअप है जो कि इसी साल यूनिकॉर्न बना है। तो ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म ब्लैकबक ने सीरीज ई राउंड में $67 million की फंडिंग रेज कर ली है $1.02 billion के वैल्यूएशन पे। तो अब तो लिटरली यार हर एक दो हफ्ते में नया यूनिकॉर्न बन रहा है, देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करते हैं। अब हम थोड़ी बहुत एक्विजिशन न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया बायजूस ने फिर से एक और स्टार्टअप को अक्वायर कर लिया है। लिटरली यार बायजूस तो हर क्वार्टर में फंडिंग रेज करता है, फिर 3-4 स्टार्टअप्स को अक्वायर करता है। इंडिया में तो इतने सारे स्टार्टअप्स को अक्वायर किए ही हैं, बट इस हफ्ते उन्होंने US की कंपनी एपिक को $500 million में कैश और स्टॉक डील में अक्वायर कर लिया है। और एपिक बेसिकली एक डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए।
तो देखते हैं कि यार अक्वायर करने के बाद कैसे वो स्केल अप करते हैं। पहले उन्होंने यूएस के स्टार्टअप ऑस्मो को भी अक्वायर किया था और अब तो यार इंडियन स्टार्टअप्स भी बाहर की कंपनीज को अक्वायर कर रही हैं, तो ये एक प्राउड मोमेंट है हमारी कंपनीज के लिए। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। रीलेवल के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाओ प्रोमो कोड GYAN10 यूज़ करके डिस्काउंट का फायदा उठाओ और अपना ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई कर दो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे, तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।